हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। क्लास फर्स्ट की स्टूडेंट्स बेटा आ जाइए पढ़ाई करने के लिए, आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए हैं। आपको पता हो तो हम ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ईवीएस के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा वाला? तो एयर वाला, नंबर 4 चैप्टर पढ़ रहे ना, एयर वाला। तो बेटा बुक निकाल दीजिए, नोटबुक निकाल दीजिए और बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। आपको पता है ना 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आज पेज नंबर कितना ओपन करना है? 27 पेज नंबर ओपन करना है। कितना पेज नंबर ओपन करना है? 27 जब आस पास में लिखते हो तो कितना होता है? 27 ही होता है ना, तो 27 पेज नंबर ओपन करना है। उसमें जो बेटा कल हमने क्या पढ़ा था याद करो, हमने पहले ई क्वेश्चन पढ़ा था, एक शब्द में उत्तर देने वाला, आंसर इन वन वर्ड पढ़ा था ना, एक शब्द में उत्तर देने वाला पढ़ा था पहले। उसके बाद में क्या पढ़ा था याद करो, उसके बाद में एक और क्वेश्चन किया था ना, जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन थे, यानी जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने थे, उसमें एक क्वेश्चन हमने कर लिया था। व्हाट इज एयर वाला कर लिया था, कौन सा कर लिया था? तो व्हाट इज एयर वाला कर लिया था कि वायु क्या है, वायु क्या है, ये वाला कर लिया था। उसके बाद में आज देखो सेकेंड करना, थर्ड करना और फोर्थ करना। तो बेटा नोटबुक निकाल दीजिए, मेरे साथ साथ में काम शुरू करना है। पहला हमने कल कर लिया था, आज दूसरे से शुरू करवा रहा हूं। कहां से शुरू करवा रहा हूं? दूसरे से शुरू करवा रहा हूं ना, हाँ? तो नोट करना सेकेंड, और सेकेंड क्या है, हाउ कैन ए, हाउ आगे लिखिएगा, कैन ए, हाउ कैन ए स्टॉर्म बी, STORM स्टॉर्म बी डेस्ट्रक्टिव फॉरेस्ट, DESTRUCTIVE डेस्ट्रक्टिव फॉरेस्ट, फॉर अस, यही है ना। अब देखिएगा आगे आंसर लिखना पड़ेगा, पहले तो समझना है क्वेश्चन का ट्रांसलेट। देखो हाउ का मीन्स कैसे, कैन मीन्स हो सकना, ए स्टॉर्म यानी तूफान, बी यानी बी डेस्क्रिप्टिव यानी विनाश, डेस्क्रिप्टिव का मीन्स विनाश होता है, नुकसान होता है फॉरेस्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि तूफान हमारे लिए कैसे नुकसान कर सकता है, अगर तूफान आ जाता है तो तूफान हमारे लिए नुकसान कैसे कर सकता है। याद करो बेटा मैंने पढ़ाया था तब कि तूफान आता है तब पेड़ पौधे नीचे गिर जाते हैं, खंभे उखड़ जाते हैं, ऐसा होता कि नहीं होता है? जब तूफान आता है तब पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, खंबे उखड़ जाते हैं, बहुत सारा नुकसान होता है अगर तूफान आ जाता है तो आपको यही लिखना है। तो क्या लिखोगे आंसर लिखिएगा, STORM स्टॉर्म कैन, DESTROY स्टॉर्म कैन डेस्ट्रॉय, क्या क्या डेस्ट्रॉय कर सकता है, कच्चे घरों को, KU CHCHA कच्चा हाउसेज को, कच्चे घरों को नुकसान नष्ट कर सकता है। उसके अलावा POLES पोल्स को नष्ट कर सकता है, और अपरूट ट्रीज, अपरूट का मीन्स उखाड़ देना, ट्रीज यानी पेड़ों को उखाड़ सकता है। ज्यादा नहीं लिखना है, फिर आपको लिखना है एटसेट्रा, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, थोड़ा सा ही है, और ट्रीज एटसेट्रा, ये बेटा नुकसान होते हैं तूफान आता है तो। देखना आप भी देख दो ना बेटा, हमारे यहाँ कभी कभी गर्मियों में आंधी नहीं आती क्या, है बहुत तेज आंधी आ जाती है तब क्या होता है, अब आप देख दो तो किसी किसी का छपरा उड़ जाता है, किसी किसी का छपरा होता है, नहीं छपरा होता, छपरा छप्पर उड़ जाता किसी का, हा? कोई खंबा होता वो खंबा नीचे गिर जाता है, फिर 2 दिन लाइट ही नहीं आती है कि खंबा गिर गया वहां पर, इस कारण से लाइट नहीं आ रही, कहीं कहीं पेड़ नीचे पड़ जाता है, होता ना बिल्कुल ऐसा होता है। तो तूफान आने से कच्चे घर नष्ट हो जाते हैं, पोल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, अपरूट ट्रीज पेड़ पौधे वगैरह ये उखड़ जाते हैं। ये था पहला, आज का पहला क्वेश्चन, और हमारी बुक का दूसरा क्वेश्चन था, क्योंकि पहला तो हमने कल ही कर लिया था तो आज वापस थोड़ी करेंगे, अगला ही करेंगे, तो आज अगला किया ना दूसरा। फिर देखो आगे, आगे देखिएगा, आगे है
थ्री नंबर का, और थ्री नंबर का है गिव एन एक्टिविटी टू शो दैट गिव एन ए सी वी आई टी वाई टी आई वी आई ए सी टी आई वी आई टी वाई एक्टिविटी टू शो दैट टू शो दैट एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग एयर इज एन डबल नीडेड फॉर बी यू आर एन आई एन जी क्या है सो देखो आंसर का क्वेश्चन का हिंदी अर्थ क्या हुआ पहले तो गिव यानी दीजिए एक एक्टिविटी यानी एक गतिविधि टू सो दर्शाने के लिए क्या कि एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग कि आग लगाने के लिए बेटा वायु की जरूरत होती है ऐसा आपको दर्शाना है कि आग लगने के लिए वायु की जरूरत होती है आप याद करो बेटा हमने कैंडल वाला पढ़ा नहीं पढ़ा था हमने मोमबत्ती वाला पढ़ा था ना कैंडल मोमबत्ती जलाई थी उसके ऊपर कांच की गिलास रखी थी और कांच की गिलास रखने से वो मोमबत्ती बेटा बुझ गई थी हा? तो उसके बारे में हमारे को लिखना है हमारे को क्या किसके बारे में लिखना है उसके बारे में हमारे को लिखना है वो एक्टिविटी हमारे को लिखना है तो क्या लिखोगे आप लिखना सबसे पहले लिखना टेक टू कैंडल्स टेक टू कैंडल्स एंड लाइटर देम यानी दो मोमबत्तियां लेनी है और उसको जलाना है दो मोमबत्तियां लीजिए उनको फिर जलाइए फिर क्या करना कवर वन लाइटेड सीओवी आर कवर वन एल आई जी एस टी ई डी कवर करना है एक को लाइटेड कैंडल विद ग्लास जार विद जी एल ए डबल एस ग्लास जार एक कांच के बर्तन से क्या करना है एक जो जलती हुई मोमबत्ती है ना उस एक जलती हुई मोमबत्ती को क्या करना ढकना है फिर क्या करना कुछ समय बाद में फिर आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद में यू वुड सी दैट यू डब्ल्यू ओ यू एल डी यू वुड सी दैट आप देखेंगे कि दैट कवर्ड कैंडल सी यू वी आर डी कवर्ड कैंडल यानी जो जलती हुई मोमबत्ती है विल स्टॉप बर्निंग विल एस टी ओ पी स्टॉप बर्निंग यानी वो ढकी हुई मोमबत्ती थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो बुझ जाएगी बट अनकवर्ड कैंडल इज बट लेकिन अनकवर्ड अनकवर्ड कैंडल लेकिन बिना ढकी हुई मोमबत्ती इज बर्निंग कंटिन्यूली इज बी यू आर एन आई एन बर्निंग सीओ एन टी आई एन ओ यू ओ एन ओ यू एस एल वाई वो बंद नहीं होगी वो लगातार जलती रहेगी तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि मोमबत्ती जो ढकते हैं ना इस प्रकार पता चलता है कि आग लगाने के लिए वायु की जरूरत होती है तो आगे लिखना सो इसीलिए इट एस एच ओ डब्ल्यू एस सोज दैट एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग एयर इज एन डबल ई डी ई डी नीडेड फॉर बर्निंग समझ में आई ना मेरी बात क्या कहा मैंने इस प्रकार पता चलता है कि आग लगाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है बहुत बड़ा हो गया बेटा बट इंपॉर्टेंट है याद रखना पड़ेगा फिर आगे देखो फोर नंबर का क्वेश्चन क्या है फोर नंबर का है व्हाट इज एयर पॉल्यूशन कि वायु प्रदूषण क्या है फोर नंबर वाला क्या है वायु प्रदूषण क्या है एयर पॉल्यूशन क्या होता है हमने पढ़ा था ना बेटा जो वाहनों से धुआं निकलता है कारखानों से धुआं निकलता है जिसे वायु गंदी हो जाती है उसी को एयर पॉल्यूशन कहते हैं तो क्या लिखोगे मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स
पार्टिकल्स लिखना है, हार्मफुल पार्टिकल्स इन एयर, क्या लिखना है, मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल पार्टिकल्स, PARTICLS, मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल पार्टिकल्स इन एयर, इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, इज कॉल्ड PULUPION, इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल पार्टिकल्स, हार्मफुल यानी नुकसानदायक कणों का वायु में मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है, जैसे कि स्मोक धुआं होता है जो वाहनों से निकलता है, फैक्ट्रियों से निकलता है, ये कारण होते हैं। तो समझे ना वायु प्रदूषण क्या होता है, समझे या नहीं समझे, हाँ आगे लिखना चाहो तो थोड़ा और लिखो, देखो स्मोक एमिटेड बाई, स्मोक यानी धुआं, EMITTED, स्मोक एमिटेड बाई व्हीकल्स, VEHICLES, व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एंड FACTORIES, एंड फैक्ट्रीज इज द मेन कॉज ऑफ, इज द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये मुख्य कारण होता है वायु प्रदूषण का। मेन कारण क्या होता है, जो धुआं निकलता है ना वाहनों से और जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, वह मेन कारण होता है वायु प्रदूषण का। इस प्रकार होमवर्क में ये तीनों क्वेश्चन करने हैं, SW में दूसरा तीसरा चौथा, यानी जो ब्लैक बोर्ड पे करवाया वो बेटा होमवर्क में करना है। और इस प्रकार ये चैप्टर भी हमारा पूरा होता है, ये चैप्टर हमारा पूरा होता है। कल हम क्या करेंगे, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्या करेंगे फिर, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई ना, ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है, फिर कल हम चैप्टर नंबर फिफ्थ शुरू करेंगे, कौन सा, फिफ्थ नंबर का चैप्टर कल हम शुरू करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप जो मैंने करवाए हैं वो करना है। अब बेटा आपसे विदा लेता हूँ, कल वापस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।